हेलो फ्रेंड्स, खमागणी टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैंने व्लॉग की शुरुआत बहुत ही लेट करी है, अभी इवनिंग के 6 o'clock हो रहे हैं और अभी मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है। तो और ये जो बैकग्राउंड में ये जो शोर आ रहा है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे हैं और घर में बच्चे रहते हैं तब होता ही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टा आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, अब मैं खाने की तैयारी करूंगी, तो अब मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। और आज मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो भी आए हुए हैं, आज मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। तो और मेरे फादर इन लॉ भी हैं, उनसे तो मैं नहीं मिलवा सकती और मेरी मदर इन लॉ से मिलवाऊंगी, बहुत ही अच्छे हैं वो, तो उनसे मिलवाऊंगी। मैं आपको मेरी मदर इन लॉ से बाद में मिलवाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं उनके पास गई थी तब वो सो चुके थे, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। अनार छील रही हूँ, अनार छील रही है इसलिए नहीं, तो अगर मुझे कभी अनार खाना होता तो मैं एक टूटा हुआ लेके ऐसे छोल के खा लेती। और ये हमारे मोना भाई सा, ये भी आ चुके हैं वापस शादी में से। हाय करो। हाय हाय, कैसे हो आप सब? मेरी मामा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरे मामा मामी सा गए। हाय, जरूर चला सब्सक्राइब, चला सब्सक्राइब, फॉलो नहीं ऐसे फॉलो, हाँ फॉलो फॉलो करो, तो मम्मा तो फॉलो कर लो जरूर। बेल आइकन बेल आइकन दबा देना है ना, ऐसे बोल रही। बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। उधर से मैं इधर आ गई। मम्मी सा अभी किचन में है, आज अंडे की सब्जी बना रहे हैं। मैं बनाऊंगी अंडे की सब्जी बहुत दिनों के बाद, और मैं आपको बताऊंगी आज मैं अंडे की सब्जी कैसे बनाती हूँ। फटाफट से बॉईल हो जाए, नमक डालने से अंडे फटाफट से बॉईल हो जाते हैं, तो इसमें डालूंगी नमक। एक चम्मच डालूंगी मैं नमक इसके अंदर, तो ये अंडे फटाफट से बॉईल हो जाएंगे। अंडे उबल रहे हैं तब तक मामी सा रोटी बना रहे हैं। मैं रोटी बना लूंगी ताकि बॉईल हो गए तब तक मैं चपाती सेक लूंगी, क्योंकि मम्मी को भूख लगी है, भूख लगी। और मेरे जो मम्मी है, मतलब मेरी मेरे जो सासू है, वो अंडे नहीं खाते, तो उनके लिए सब्जी बनानी है, तो उनको भूख लगी है। मैं उनके लिए पहले रोटी बना रही हूँ, और मैं रोटी बनाऊँगी तब तक अंडे भी बॉईल हो जाएंगे, हमारे दो दो काम एक साथ हो रहे हैं। और आप सब लोग कमेंट करके बताना कि अंडे किस किस को पसंद है, हमें तो पसंद है, और खासकर बच्चों को बहुत पसंद होते हैं अंडे, और खाने भी चाहिए जैसे सर्दियों में अंडे खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। और जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनको, उनके लिए तो होते ही अच्छे। तो इसको मेन जल्दी से बॉईल हो जाए अंडे। ये अंडे उबल गए हमारे, मामी सा ने अंडे उबाल लिए, अब मामी सा अंडे फ्राई करेंगे। फ्राई करूंगी और उसके बाद मैं आगे देखो प्रोसेस, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। और तड़के के लिए मैंने ये ली है सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता है, और जीरा लिया है, एक लौंग लिया है, क्योंकि
लोग कम पसंद करते हैं हमारे घर में, बट इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने ली है राई, तो चलो मैं तड़का लगाती हूँ इससे। और अब प्याज ब्राउन होंगे तब तक मैं इनको भून लूँगी, और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी ये है मिर्च और टमाटर का पेस्ट है, और ये लहसुन जो थोड़ा सा अभी डालूँगी और थोड़ा सा फिर बाद में डालूँगी जब अंडे पूरी तरह से प्रॉपर रेडी हो जाएंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा लहसुन डालूँगी ताकि कच्चापन जो होता है लहसुन का वो थोड़ा अच्छा, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये थोड़े से मैंने लिए मटर, प्याज हमारे ब्राउन हो गए, और अब मैं इसमें ये डाल दूंगी मिर्च और टमाटर वाला पेस्ट। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और हल्दी डाल दूंगी, और फिर थोड़ी सी देर वापस से पकाएंगे हम इसको। अब मैं इसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दूंगी, और मैंने लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, इसलिए मैं धनिया डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने लहसुन रख लिया है, ये मैं बाद में डालूंगी, अंडे डालने के बाद में डालूंगी, और फिर ढक लगा दूंगी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा। ये ग्रेवी हमारी पक गई, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक गिलास पानी। और ये अंडे अब मैं इसमें डाल दूंगी, वैसे मैं फ्राई करके बनाती हूँ हमेशा, पर आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि सही बताऊँ तो मैं आज अंडे फ्राई करना ही भूल गई, ब्लॉग के चक्कर में मैंने फ्राई नहीं किए, और तो आज मैं इनको ऐसे ही डाल दूँगी। कोई बात नहीं, फ्राई करे हुए हमेशा ही खाते हैं, आज बिना फ्राई करे हुए अंडे खा लेंगे। तो ये मैं इसमें सारे डाल दूँगी, और ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है इनको देख के। आप सब लोग बताना आप सबको कैसे लगे अंडे। और अब इसमें एक बार एक उबाल आने दूंगी, और उसके बाद में मैं दिखाती हूँ, और अब मैं इसको ढक दूंगी। और अभी आ गया है इसमें, अब मैं इसमें ये जो कच्चा लहसुन है ये डाल दूंगी और गरम मसाला डाल दूंगी, और इसके बाद में हमारे अंडे बनके रेडी हो चुके हैं। ये मैं गरम मसाला डाल दूंगी इसमें, और उसके बाद में अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि अंडे कैसे बने। आज मेरे पापा मेरे न्यू गिफ्ट लाए हैं, आपके लिए लाए नहीं पापा को, है ना, वो मिला है ऑफिस से, मिला है ऑफिस से मिला है, और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, अनबॉक्स करूंगी, मतलब देखो यार पापा अच्छे 5 स्टार ये 5 स्टार दिखाना। बैंक में 5 साल पूरे होने पर, बैंक में 5 साल पूरे होने की खुशी में अंडे
बनके रेडी हो चुके हैं और हम सब भी खाने के लिए रेडी हैं, तो मैं इनके रिएक्शन लेती हूँ कि कैसे बने अंडे। कैसे बने? अच्छे। बस अच्छे हैं। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक कैमरा के पीछे से बोल रहे हैं कि अच्छे हैं। कैसे बने? अच्छे। सच में अच्छे? बहुत अच्छा। चलो थैंक यू, अंडे तो अच्छे बने और हम सब लोग भी अब खाना एंजॉय करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। मामा के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार फ्रेंड्स, और लाइक भी। चलो ओके बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।